Vedic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. Hello friends, आज हम सीखेंगे मुहावरे और उनके अर्थ तथा वाक्य। चलो शुरू करते हैं। अंधे की लाठी, इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। और इसका वाक्य बनेगा, मोतीराम का अपना तो कोई बच्चा है नहीं, अब बुढ़ापे में उसके भाई का बेटा ही उसकी देखभाल कर रहा है। मोतीराम के लिए तो वही अंधे की लाठी है। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ होता है मौके पर मना कर देना। और इसका वाक्य बनेगा, मकान की किश्त चुकाने के लिए जब मोहनलाल ने अपने मित्र से कुछ रुपए मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अक्ल का दुश्मन, इसका अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। और इसका वाक्य बनेगा, तुम तो अकल के दुश्मन हो, कभी कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकते। अक्ल घास चरने जाना, इसका अर्थ होता है समय पर बुद्धिमानी का कार्य ना करना। और इसका वाक्य बनेगा, तुम्हारी तो अक्ल घास चरने गई है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। और इसका वाक्य बनेगा, किसी को नफा हो या नुकसान, सारे व्यापारी अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ होता है साथ मिलकर ना रहना। और इसका वाक्य बनेगा, किसी को देश की चिंता नहीं, सारी पार्टियां अपनी अपनी खिचड़ी अलग पका रही हैं। अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ होता है अपनी हानि खुद करना। और इसका वाक्य बनेगा, अच्छी भली नौकरी मिली थी, उसे छोड़कर तुमने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। आंखों का तारा, इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय। और इसका वाक्य बनेगा, मोहन अपने माँ बाप की आंखों का तारा है। आंखें चुराना, इसका अर्थ होता है सामने ना आना या कतराना। इसका वाक्य बनेगा, सुमन ने जब से चोरी की है तब से सभी लोगों से आंखें चुराते फिर रही है। आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। इसका वाक्य बनेगा, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना है तो पढ़ाई में आकाश पाताल एक करना पड़ेगा। आग बबूला होना, इसका अर्थ होता है बहुत क्रोध करना। और इसका वाक्य बनेगा, राम ने अपना कार्य ठीक से नहीं किया, यह देखकर राम की माँ आग बबूला हो गई। आग में घी डालना, इसका अर्थ होता है क्रोध को और भड़काना। और इसका वाक्य बनेगा, मोहन की हरकतों से उसके पिताजी तो पहले से ही नाराज थे, अध्यापक ने कक्षा में ना आने की बात बताकर तो आग में घी डालने का काम किया। आस्तीन का सांप, इसका अर्थ होता है धोखेबाज मित्र। और इसका वाक्य बनेगा, रमेश पर इतना विश्वास मत करो, वह तो आस्तीन का सांप है, कब धोखा दे जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इस कान सुनना, उस कान निकाल देना, इसका अर्थ होता है किसी की बात पर ध्यान ना करना। इसका वाक्य बनेगा, मैं वही करता हूँ जिसको करने के लिए मेरा दिल गवाही देता है।
दूसरों की बातें तो मैं इस कान से सुनता हूँ और दूसरे कान से निकाल देता हूँ। ईद का चांद होना, इसका अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। और इसका वाक्य बनेगा, इतने दिनों से तुम कहाँ ईद के चांद हो गए थे, दिखाई ही नहीं दिए। उंगलियों पर नचाना, इसका अर्थ होता है वश में करना। और इसका वाक्य बनेगा, अब्राहिम की पत्नी तो उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ होता है अधिक आवश्यकता वाले को कम मिलना। और इसका वाक्य बनेगा, इतनी भूख में सिर्फ एक कटोरी चावल, यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। एक आंख ना भाना, इसका अर्थ होता है जरा भी अच्छा ना लगना। और इसका वाक्य बनेगा, जो व्यक्ति मुझे एक आंख नहीं भाता, उसके साथ मैं एक कमरे में कैसे रह सकता हूँ। एक और एक ग्यारह, इसका अर्थ होता है संगठन में शक्ति। और इसका वाक्य बनेगा, एक और एक ग्यारह होते हैं, यदि हम सब मिलकर रहेंगे तो शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कमर कसना, इसका अर्थ होता है किसी काम के लिए उद्यत होना। और इसका वाक्य बनेगा, परीक्षा निकट है, यदि कमर कस लो तो सफलता जरूर मिलेगी। कलेजा ठंडा होना, इसका अर्थ होता है संतोष प्राप्त करना। और इसका वाक्य बनेगा, जब मैं उससे बदला ले लूंगा तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। कानाफूसी करना, इसका अर्थ होता है चुपके चुपके बातें करना। और इसका वाक्य बनेगा, दोनों लड़कियां पता नहीं घंटों तक क्या कानाफूसी करती रहती हैं। कानों कान खबर ना होना, इसका अर्थ होता है किसी को ज्ञात ना होना। और इसका वाक्य बनेगा, चुपचाप दोनों ने शादी कर ली और किसी को कानों कान खबर तक ना हुई। कोल्हू का बैल होना, इसका अर्थ होता है दिन रात काम में लगे रहना। और इसका वाक्य बनेगा, कोल्हू के बैल की तरह काम मैंने किया और उन्नति उसको मिली, उस विजय को जो खुशामद में ही लगा रहता था। खरी खरी सुनाना, इसका अर्थ होता है सच्ची बात कहना। और इसका वाक्य बनेगा, बहुत इधर उधर की बात कर रहा था, जब मैंने खरी खरी सुनाई तब सच्चाई सामने आई। खिल्ली उड़ाना, इसका अर्थ होता है उपहास करना। और इसका वाक्य बनेगा, बेचारे की इस तरह खिल्ली मत उड़ाओ, लंगड़ा कर चलना तो किस्मत की बात है। खून का घूंट पीकर रह जाना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध करना। और इसका वाक्य बनेगा, बॉस की कड़वी बातें सुनकर मैं खून का घूंट पीकर रह गया। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका अर्थ होता है पुरानी बातें उठाना। और इसका वाक्य बनेगा, अब जब आप दोनों में फैसला हो चुका है तो गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ। गागर में सागर, इसका अर्थ होता है थोड़े शब्दों में बहुत अधिक विचार। और इसका वाक्य बनेगा, बिहारी ने अपने दोहे में गागर में सागर भर दिया है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसका अर्थ होता है अपना व्यवहार बदलते रहना। और इसका वाक्य बनेगा, मेरे सामने मेरी बातें कर रहा था और मोहन के सामने उसने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। गुड़ गोबर कर देना,
इसका अर्थ होता है काम बिगाड़ देना। और इसका वाक्य बनेगा, मैंने व्यापार की सारी जिम्मेदारी अपने भाई को सौंपी थी, लेकिन बुरी संगत में पड़कर उसने सारा गुड़ गोबर कर दिया। घी के दीपक जलाना, इसका अर्थ होता है खुशी मनाना। और इसका वाक्य बनेगा, राम जब वनवास से अयोध्या वापस लौटे तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। चिकना घड़ा, इसका अर्थ होता है निर्लज व्यक्ति। और इसका वाक्य बनेगा, तुम्हारा भाई पिट पिट कर चिकना घड़ा हो गया है, उस पर किसी के समझाने का असर नहीं होता। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका अर्थ होता है शर्म महसूस करना। और इसका वाक्य बनेगा, सेठ जी ने नौकर को डांटते हुए कहा, जा डूब मर चुल्लू भर पानी में, मैं तेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। चेहरे पर हवाइयां, इसका अर्थ होता है चिंतित होना। और इसका वाक्य बनेगा, परीक्षा परिणाम में जब उसे अपना नाम दिखाई नहीं दिया तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। छक्के छुड़ाना, इसका अर्थ होता है बुरी तरह हराना। और इसका वाक्य बनेगा, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। टका सा जवाब देना, इसका अर्थ होता है साफ इनकार कर देना। और इसका वाक्य बनेगा, मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता थी, मैंने अपने बड़े भाई से मांगे तो उन्होंने मुझे टका सा जवाब दे दिया। डींग मारना, इसका अर्थ होता है बढ़ चढ़कर बातें करना। और इसका वाक्य बनेगा, जो ज्यादा डींग मारते हैं उनकी कलाई जल्दी खुल जाती है। तलवे चाटना, इसका अर्थ होता है खुशामद करना। और इसका वाक्य बनेगा, आज का जमाना ऐसा है, यदि आप बॉस के तलवे चाटते हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तूती बोलना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रभाव होना। और इसका वाक्य बनेगा, आजकल सारी दुनिया में भारत की तूती बोल रही है। दांत खट्टे करना, इसका अर्थ होता है परास्त करना। और इसका वाक्य बनेगा, शिवाजी ने औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। दो दिन का मेहमान, इसका अर्थ होता है जल्दी मरने वाला व्यक्ति। और इसका वाक्य बनेगा, डॉक्टरों ने जवाब दिया है, लगता है अब दो दिन का मेहमान है। नमक मिर्च लगाना, इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। और इसका वाक्य बनेगा, मेरे भाई ने नमक मिर्च लगाकर मेरी शिकायत पिताजी से कर डाली। नाक में दम करना, इसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना। और इसका वाक्य बनेगा, बच्चों ने तो टीचर की नाक में दम कर दिया है। नाको चने चबाना, इसका अर्थ होता है बहुत परेशान होना। और इसका वाक्य बनेगा, कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को
नाको चने चबाने पड़े। पत्थर की लकीर, इसका अर्थ होता है पक्की बात। और इसका वाक्य बनेगा, मेरी बात पत्थर की लकीर समझना, मैं जो कह रहा हूँ पूरा करूँगा। पापड़ बेलना, इसका अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। और इसका वाक्य बनेगा, कितनी पापड़ बेले हैं तब जाकर यह छोटी सी नौकरी मिली। फूला ना समाना, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। और इसका वाक्य बनेगा, नौकरी की खबर सुनते ही वह फूला ना समाया। भगवान को प्यारा हो जाना, इसका अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। और इसका वाक्य बनेगा, स्वामी जी प्रवचन करते करते ही भगवान को प्यारे हो गए। भैंस के आगे बीन बजाना, इसका अर्थ होता है मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। और इसका वाक्य बनेगा, सुरेश बाबू को कुछ भी समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। मुट्ठी गर्म करना, इसका अर्थ होता है रिश्वत देना। और इसका वाक्य बनेगा, यदि तुमने पुलिस वाले की मुट्ठी गर्म कर दी होती तो तुम्हारा चलान ना हुआ होता। रोंगटे खड़े होना, शोक हर्ष आदि के कारण रोमांचित होना। और इसका वाक्य बनेगा, रात को डर के मारे मेरी पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए। श्री गणेश करना, इसका अर्थ होता है आरंभ करना। और इसका वाक्य बनेगा, पंडित जी कोई अच्छी तिथि बताइए तब मैं अपना मकान बनवाने का श्री गणेश करूं। सांप सूंघ जाना, इसका अर्थ होता है हक्का बक्का रह जाना। और इसका वाक्य बनेगा, बहुत गुंडागर्दी कर रहे थे, अब थानेदार साहब को देखकर क्यों सांप सूंघ गया। सूख कर कांटा हो जाना, इसका अर्थ होता है बहुत कमजोर हो जाना। और इसका वाक्य बनेगा, आईएएस की तैयारी में क्या लगा रहा, वह तो एकदम सूख कर कांटा हो गया है। हक्का बक्का रह जाना, इसका अर्थ होता है हैरान रह जाना। और इसका वाक्य बनेगा, जब मुझे यह खबर मिली कि तुम्हारे पिताजी आतंकवादियों से मिले हुए हैं तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। हाथ पांव फूल जाना, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। और इसका वाक्य बनेगा, रसोई में थोड़ा सा काम क्या बढ़ जाता है, मेरी पत्नी के तो हाथ पैर फूल जाते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। और इसका वाक्य बनेगा, तुम भले ही एड़ी चोटी का जोर लगा लो पर इस विद्यालय में तुम्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। कंधे से कंधा मिलाकर चलना, इसका अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना। और इसका वाक्य बनेगा, यदि कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे।